हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने कोतवाली थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर बुधवार राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चयनित थानों पर पुलिस चौपाल लगाया जाता है, जिससे जनता अपनी समस्याओं को सीधे राजपत्रित अधिकारी के सामने रख सके और उसका मौके पर निस्तारण हो सके। उन्होंने बताया कि पुलिस चौपाल में जमीनी विवाद, मकान कब्जा, नाली विवाद, मारपीट सहित अन्य मामले आए, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान थाना की फाइलों को भी चेक किया गया। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, चार मुकदमा करवा दिए सर, मम्मी जमीन लिखवाया, मम्मी मुकदमा किया, फिर घर पर उनको बसने दिया, घर के कागज लेके भाग गया, हर जगह अपनी वाइफ को सास को लेके चलता है, उनके सर ससुर जो है नहीं, उसकी पत्नी भी और उसकी सास, उसके बाद वो कई बार देखिए अलग अलग तरह के मामले आए हैं, कुछ जमीन संबंधी मामले हैं, कुछ भाई भाई का झगड़ा है, इस तरह के मामले हैं, उन सब में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। और जो पुलिस चौपाल में जो भी एप्लीकेशन आ रहा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो है SHO है और CO जो है उनको दिया गया है कि उस पर जाँच करें और फिर तत्काल कार्रवाई करें। और इसके अतिरिक्त हमने जो है यहाँ पे सारे रजिस्टर्स वगैरह चेक किए हैं, थाने के जो भी कार्यालय हैं उसको चेक किया गया, और थाने के जो फोर्स है क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है, सबको ब्रीफ करके अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे भेज दिया गया। और हम लोग यहाँ बैरियर चेकिंग ऐप पे जो भी वो लोग एंट्री बनाते हैं, जो भी संदिग्ध व्यक्ति जब उनको दिखता है तो उसकी एंट्री बनाते हैं, वो हमें यहीं बैठे बैठे दिखता होता है कि क्या कौन कार्य कर रहा है, तो उसको चेक किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आपराधिक जो हमारे पास डेटाबेस पहले से पड़ा हुआ है, त्रिनेत्र ऐप पर पड़ा हुआ है या ऑपरेशन 15 के समय में हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया था उससे मैच किया जा रहा है, और कोई आपराधिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हमें मिलता है सर तो उसको हम लोग उसके धरपकड़ की कार्रवाई भी करेंगे। सर अभी तक कितने मामले आ चुके हैं? देखिए अभी तक यहाँ पर 10 मामले आ चुके हैं, और अभी क्योंकि ये चौपाल 11 बजे रात तक चलेगा और भी मामलों के आने की संभावना है।